SN लाइव सच सबसे आगे। चैनपुर में रितेश उर्फ गौरख हत्याकांड मामले का आरोपित हथियार के साथ गिरफ्तार, हत्याकांड में पुलिस लेगी रिमांड पर। चैनपुर ओपी क्षेत्र के नवादा गांव निवासी रितेश कुमार सिंह उर्फ गौरख हत्याकांड के एक अप्राथमिकी आरोपित को चैनपुर ओपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान रसूलपुर थाना क्षेत्र के इटहरी निवासी विकास कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित विकास कुमार सिंह शाम के समय में दारूंदा रेलवे जंक्शन पर जाने के लिए खड़ा था, तभी किसी स्थानीय ग्रामीण द्वारा इसकी सूचना दारूंदा थाने को दी गई। इस मौके पर थाने की पुलिस ने उक्त आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद चैनपुर ओपी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ओपी पुलिस ने गिरफ्तार युवक को अपने कब्जे में लेकर आई, संदिग्ध ठिकानों पर भी छापेमारी की है। मामले में पूछे जाने पर ओपी प्रभारी अभिनंदन यादव ने बताया कि नवादा गांव निवासी रितेश कुमार सिंह उर्फ गौरख हत्याकांड के अनुसंधान में प्राथमिक अभियुक्त इटहरी निवासी विकास कुमार सिंह को मेहंदार स्थित विश्वकर्मा कुटी के पास से अवैध हथियार व दो गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आर्म्स एक्ट व आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि चैनपुर ओपी क्षेत्र के नवादा गांव निवासी जय नारायण सिंह के पुत्र रितेश कुमार सिंह उर्फ गौरख सिंह 13 नवंबर 2022 को अपने रिश्तेदार दारूंदा थाना क्षेत्र के धानाडीह निवासी ब्रज मोहन सिंह के यहां छठियार से शामिल होने गया था। रात में वहां से लौटने के दौरान ओपी क्षेत्र के भदौर मोड़ के समीप पैलेट से घात लगाए बदमाशों ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी कराई थी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने